कर रखा था। रामायण में जिस पुष्पक विमान का जिक्र किया जाता है वह खोज लिया गया है। यह विमान अफगानिस्तान की एक गुफा में 5000 साल से पड़ा हुआ था। दावा किया जा रहा है कि यह ऐसी फ्लाइंग मशीन है जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में होने की बात कही जाती है। बताया गया कि ये महाभारत काल का विमान हो सकता है। कंट्रोवर्शियल फाइल वेबसाइट के माने तो ये फ्लाइंग मशीन अफगानिस्तान की किसी दुर्गम पर्वत श्रृंखला में कहीं दबी थी, जिसे खोजने के लिए यूएस आर्मी ने अफगान डेजर्ट में एक सीक्रेट स्काउट मिशन भी भेजा था, लेकिन वो आज तक नहीं लौटा। अब सवाल ये था कि आखिर उन सोल्जर्स के साथ क्या हुआ। पौराणिक कहानियों के मुताबिक ये विमान एक स्ट्रेंज एनर्जी से प्रोटेक्टेड था, इसलिए माना जा रहा है कि जब सोल्जर्स ने गुफा से विमान को निकालने की कोशिश की तो वो सभी इसके टाइम वेल में फंसकर गायब हो गए होंगे। क्या है टाइम वेल? टाइम वेल विमान की प्रोटेक्टेड शील्ड है। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड जैसा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में इसका जिक्र किया था। इस विमान की इम्पोर्टेंस कितनी थी इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2012 की गर्मियों में यूएस प्रेसिडेंट ओबामा के अलावा ब्रिटेन के एक्स पीएम डेविड कैमरन, एक्स फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने सीक्रेट टूर किया था, लेकिन आज